मैं डॉक्टर विजय राघवन MBBS MD पिछले 10 सालों से किडनी के बारे में मैं बहुत सारा जागरूकता पैदा किया है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, कभी भी लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कराने के पीछे पड़े रहते हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में ये लोग के मन में ये भावना है कि ये बहुत महंगा है इसीलिए अच्छा इलाज होगा, लेकिन मेरा जो देखा हुआ चीज़ है, जो मैं देखता हूँ कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ये झूठ बात है कि ट्रांसप्लांट आपकी ज़िंदगी को बढ़ाएगा। ट्रांसप्लांट लोग पैसा दे के 10-20 लाख खर्चा करके ट्रांसप्लांट सेंटर जाते हैं और बेचारा ट्रांसप्लांट कर देता है। ट्रांसप्लांट की असलियत उसको पता ही नहीं चलने देता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिसमें कि साइक्लोस्पोरिन, एजेथियोप्रीन और मतलब एस्ट्रॉयड, ये सब दवाई रहता है, वो दवाई खाना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, और जो भी वो दवाई खाएगा उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एक तो ये है। दूसरा क्या ट्रेंड चला हुआ है कि अब जो है ट्रांसप्लांट बहुत ही कठिन हो गया है, अब आपका अपना रिलेटिव ही किडनी दे सकता है, अदरवाइज मरे हुए व्यक्ति का किडनी दिया जाता है। मरे हुए व्यक्ति का किडनी ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करता है और वो इमीडिएट फिर से डायलिसिस में चले जाते हैं, जबकि बिना ट्रांसप्लांट बिना डायलिसिस मेरे उपचार में पिछले 10 साल से कई लोग जिंदा हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो मेरा आम लोगों से अनुरोध है कि इस उपचार को आगे ले जाने के लिए या तो आप सरकार को बताएं, सरकार से पहल करें, विधायक को बोलें, आप लोग गाँव के मुखिया लोग को, टीचर लोग को जागरूक करें कि आप किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं, किडनी फेल होने पर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। ट्रांसप्लांट जहां तक बात है, ये तब कम्प्लीटली फेल ट्रीटमेंट है, इसमें कहीं कोई सफलता नहीं है। बिरले कोई कोई आदमी का हो सकता है ट्रांसप्लांट से ज़्यादा दिन जी रहा हो, मे बी उसको कोई कोई आदमी 100-200 में एक आदमी 10 साल भी जी लेता हो, मेरा वो कहना नहीं है। लेकिन भाई 10 साल जीने के लिए जब आपके पास बिना ट्रांसप्लांट का भी आप 10-20 साल जी सकते हैं, तो आप काहे ट्रांसप्लांट कराएंगे, ट्रांसप्लांट कराने का क्या फायदा हुआ? और प्लस ट्रांसप्लांट इतनी महंगी प्रक्रिया है और प्लस फेल्योर रेट 90% है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। जहाँ तक डायलिसिस की बात है, तो डायलिसिस के बारे में लोग सोचते हैं कि डायलिसिस फ्री में हो रहा है। अरे भाई, डायलिसिस फ्री में भी हो रहा है फिर भी महंगा है, क्योंकि डायलिसिस के साथ बहुत सारा मेडिसिन है, फिर ब्लड बनाने की दवा है, फिर ब्लड चढ़ाना है, इसके बाद बीच बीच में ICU में भर्ती करना है, आपका इतना कष्ट सहना है, डायलिसिस सेंटर के बगल में चिपक के रहिए, आप किसी के यहाँ जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, आप अपना जीवन जी नहीं सकते हैं। जबकि मेटाबॉलिक चिकित्सा में डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आप आम आदमी की तरह घूम फिर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। तो लोगों से मेरा अनुरोध है, खास करके सरकार से, कि आप इस चीज़ के लिए कुछ कीजिए। इसके बाद उसमें भी बहुत कम आदमी होंगे जिसकी बेटी किडनी देगी उसको। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा होता है उसकी बेटी किडनी उसको दे दे, तो बेचारा का लाइफ कुछ दिन चल जाएगा। लेकिन ऐसा हर एक आदमी उतना खुश नसीब नहीं होता है कि उसका बेटी उसको किडनी दे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, विधायक हो कि मंत्री हो कि कोई पढ़े लिखे लोग हो, जो भी लोग हो, आपको यदि आप इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि कम से कम आपको ये बात का एहसास होगा कि आप बहुत गंभीर साजिश से बच जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है, खास करके विधायकों से, जो भी विधायक है, मंत्री है, MLA MP है, वो सब इस वीडियो को यदि देख रहे हों तो इस दिशा में कुछ करें। लोग सोचता है कि मेरा तो अभी किडनी फेल नहीं है, हमको क्या मतलब है? लेकिन जब उसका किडनी फेल हो जाता है तो पूरा समाज का लोग उसको घसीट के ले जाता है PGI चंडीगढ़, और PGI चंडीगढ़ में उसके साथ जो सलूक होता है, जो नौटंकी होता है, जो उसका शोषण होता है, ये जो सोचते हैं कि मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, अरे भाई, कष्ट तो उसी को सहना पड़ता है। भगवान जो दुनिया बनाया है सबके लिए बराबर बनाया है, चाहे आप कितना भी अमीर हो, गरीब हो, कष्ट सबको बराबर होता है। यदि बीमार पड़ता है आदमी तो सबको बराबर कष्ट होता है। इसीलिए पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समय के साथ साथ सच्चाई का पता लगाएं और सच के रास्ते पर चलें, और जो सच है, जो जिससे लोगों का भला होगा, उसको समाज में आगे बढ़ाएं और जिससे सबका भला हो। धन्यवाद।